संतोष किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बिना दूध का बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो दूध से तो सब बनाते हैं, तो क्यों नहीं आज बिना गाजर का दूध का हलवा बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने गाजर ले ली, इसको धो के और कद्दूकस कर लिया अच्छे से, मोटे वाले उससे कद्दूकस किए, लच्छेदार हलवा बनेगा। और ये लिया है मैंने देसी घी, तो ये 100 ग्राम गाजर है। तो शुरू करते हैं हलवा बनाने के लिए। क्या चाहिए? तो गैस पे रख दी कढ़ाई, अब इसमें क्या करना है, गाजर को डालना है। तो अब हमारे को क्या करना है, चीनी डालनी है इसमें। चीनी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, कम ज्यादा। अब इसको 2-3 मिनट के लिए लो टू फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए 2-3 मिनट हो गई, तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई गाजर में। आप देख सकते हो चीनी ने पानी छोड़ दिया। उसी हिसाब से तो इसको 3-4 मिनट पका लेते हैं हम मीडियम गैस पे। देखिए 5-6 मिनट हो गई, तो गाजर अच्छे से पक गई, कलर भी चेंज हो गया। तो क्या करना है, इसमें डालेंगे मलाई। तो मैं फ्रेश मलाई ले रही हूँ। अब इसमें अच्छे से मलाई को कर देते हैं मिक्स। तो देखिए इसको 2-3 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2-3 इलायची कूट के। अब इसको भी कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें क्या करना है, मावा डालना है। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये मावा मैंने घर पे ही बनाया था, तो इसको मावा को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो देखिए मावा को अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब इसमें क्या करना है, बादाम काट के रख लिया मैंने, तो ये भी डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बिना इसके बिना भी बना सकते हैं। तो ये कितनी आसान तरीके से बना लिया। तो इसको अब डाल लेते हैं कटोरी में। देखिए हमने ट्रांसफर कर लिया कटोरी में, तो इसको कितना टेस्टी लग रहा है, ये जैसे कलाकंद के जैसे। तो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। वाव, सुपर, बहुत टेस्टी है खाने में। तो आप ज़रूर बनाएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाला फ्री में वीडियो मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू।